गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइल्स एल्डर रिएक्शन की। तो डाइल्स एल्डर रिएक्शन क्या है इसको हम देख लेते हैं पहले, इसको किसने दिया था, कब दिया था, फिर वही सब है। तो डाइल्स एल्डर रिएक्शन जो है इसको डिस्कवर किया था, डाइल्स का नाम है ओट्टो डाइल्स, डिस्कवर्ड बाई ओट्टो डाइल्स एंड हिज स्टूडेंट कर्ट एल्डर इन 1928 एंड रिसीव नोबल प्राइज इन 1950। तो डाइल्स जो है ओट्टो डाइल्स और इन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक डिस्कवरी की, डाइल्स एल्डर रिएक्शन की डिस्कवरी की थी इन्होंने 1928 में, और इनको इस डिस्कवरी के लिए 1950 में नोबल प्राइज भी मिला। तो डाइल्स एल्डर रिएक्शन किसने दिया था, यह हो गया। अब ये क्या है वो देख लेते हैं। डाइल्स एल्डर रिएक्शन इज थर्मली अलाउड रिएक्शन। डाइल्स एल्डर रिएक्शन जो होती है वो थर्मली अलाउड रिएक्शन होती है। और डाइल्स एल्डर रिएक्शन जो दूसरा पॉइंट हमारा वो फोटोकेमिकली फॉरबिडन। डाइल्स एल्डर रिएक्शन इज फोटोकेमिकली फॉरबिडन। और जो हमारा तीसरा पॉइंट दिख रहा है, डाइल्स एल्डर रिएक्शन अकर बिटवीन कंजुगेटेड डाइईन एंड अल्कीन और अल्काइन यूजली कॉल्ड डाइनोफाइल। जैसे कि हमारी अल्कीन कोई होती है, ये हमारी अल्कीन है, या फिर कोई अल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, ये हमारी डाइनोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ये हमारा डाइनोफाइल का काम करेगा। और जो हमारी डाइईन है कंजुगेटेड डाइईन, जिसे हम बीटा डाइईन, जैसे कि हम इसे कॉमनली इसे ही लेते हैं ना, तो ये कंजुगेटेड डबल सिंगल डबल कंजुगेटेड डाइईन और ये डाइनोफाइल मिलकर ये रिएक्शन होती है। और डाइल्स एल्डर रिएक्शन का एक और नाम है जिसे कहा जाता है 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। 4+2 यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो अब डाइन, ये है हमारी डाइन और यह है डाइनोफाइल। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि डाइन क्या होती है और डाइनोफाइल क्या होती है। अब हमें देखना है क्या डाइन, तो हो जाएगी हमारी डाइन। तो डाइन में क्या है, जैसे कि डाइन जो होनी चाहिए वो हमारी इलेक्ट्रॉन रिच होती है, और डाइनोफाइल जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पुअर, वो ये सब यहाँ पर लिखा गया है। तो बहुत रेयर केस में ऐसा भी होता है कि डाइन जो होती है वो हमारी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होती है, या और डाइनोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। वही यहाँ पे लिखा गया, द डाइन ऑफ द डाइल्स एल्डर रिएक्शन इज इलेक्ट्रॉन रिच व्हाइल द डाइनोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। लेकिन क्या होता है, द डाइल्स एल्डर रिएक्शन विथ इलेक्ट्रॉन पुअर डाइन एंड इलेक्ट्रॉन रिच डाइनोफाइल आर ऑल्सो नोन, बट दीज आर रिलेटिवली रेयर। और क्या है डाइन में, डाइन जो है वो हमारी ओपन चेन हो सकती है या फिर साइक्लिक हो सकती है। और डाइन जो हमारी रिएक्शन जो डाइल डाइन और डाइनोफाइल जो हमारी डाइल्स एल्डर रिएक्शन देगी, तो इसमें डाइन क्या है कि वो सिस कन्फर्मेशन में होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा है सिस, तो वो सिस कन्फर्मेशन, जैसे कि अगर हम लें ब्यूटाडाइन को, जिसकी उसकी 1 और 4 पोजिशन जो होती है, जैसे कि ये वाली, ये फेवरेबल कंडीशन ये होती है ये ट्रांस में, ताकि और ये डाइल्स एल्डर रिएक्शन नहीं देती है। तो ये क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड ये रोटेशन हो जाता है कुछ इस तरह से। तो ये बॉन्ड इस तरह से होके कन्फर्मेशन में, सिस कन्फर्मेशन में आता है इस तरह से, और ये डाइल्स एल्डर रिएक्शन हमारी देती है। तो डाइल्स एल्डर रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है कि हमारी डाइन जो वो सिस कन्फर्मेशन में होनी चाहिए, और अगर हमारी वो ट्रांस कंडीशन में और सिंगल बॉन्ड के अराउंड है, अगर वो किसी तरह से रोटेट होकर सिस कन्फर्मेशन में आ जाए, तो वो डाइल्स एल्डर रिएक्शन देगी। जैसे कि अगर हमारी साइक्लिक है और साइक्लिक डाइन, जैसे कि हमारी परमानेंटली उसे सिस कन्फर्मेशन में होना चाहिए, क्योंकि वो साइक्लिक है, अगर वो ट्रांस कन्फर्मेशन में डाइन होगी हमारी, वो डाइल्स एल्डर रिएक्शन नहीं देगी। उसका एग्जाम्पल जैसे कि हम देख लें यहाँ पर, अगर जैसे कि अगर आप ये ले लें, तो ये जो है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड तो है, लेकिन ये इससे रिंग लगी हुई है, ये साइकिल है ना, तो ये कहीं से भी रोटेट होकर सिस कन्फर्मेशन में नहीं आ सकता ये। तो ये जो है वो डाइल्स एल्डर रिएक्शन कभी भी नहीं देगा, डाइल्स एल्डर रिएक्शन कभी नहीं देगा। तो अगर हमारा और जो ये हमारी ब्यूटा डाइन है, ये इसका कन्फर्मेशन जो ये वाला है ना, ये वाला स्टेबल होता है, ये वाला अनस्टेबल होता है, ये फेवरेबल कंडीशन है, ये डिसफेवरेबल कंडीशन है। तो ये वाली डाइल्स एल्डर रिएक्शन नहीं देती, जब इस तरह से ये घूम जाता है, ये सिस कन्फर्मेशन में आता है, तो ये डाइल्स एल्डर रिएक्शन देता है। और अगर साइक्लिक में, साइक्लिक की बात करें, तो उसे परमानेंटली सिस कन्फर्मेशन में होना चाहिए। अगर वो साइक्लिक, जैसे कि हमारी ये है, अगर ये ट्रांस कन्फर्मेशन में होगी,
साइकिल वाली, तो वो रॉयल सेल्डर रिएक्शन नहीं देगी। तो इसका एक दो एग्जांपल और आप देख सकते हैं कौन कौन सी है, जैसे कि अगर आप यहां पर करके इसको इस तरह कर दें तो ये अभी सिस कंफर्मेशन में नहीं होगी। एक बॉन्ड यहां पर हो, एक बॉन्ड डबल बॉन्ड यहां पर हो, तो ये भी हमारा इस तरह से ट्रांस हो जाएगा, ये भी डायल हेल्डर रिएक्शन नहीं देगा। ये हो गया। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारी सिस कंफर्मेशन है वो डायल सेलर रिएक्शन देगी, और जो ट्रांस कंडीशन में होगा, ट्रांस होगा अगर वो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट होकर सिस कंफर्मेशन में आ सकता है तो वो डायल सेलर रिएक्शन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो डाइन के बारे में थोड़ा सा हम कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि हमारी डाइन होती है ब्यूटा डाइन ना, तो वो अगर ये है, ये हमारी डाइन है, या फिर अगर इस पर हम लगा दें कुछ, ये इस तरह से है हमारी डाइन, इस पर हम लगा दें यहां पर, और एक यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और एक यहां पर, तो क्या होगा इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में कुछ रिएक्शन फास्ट होगी स्लो होगी क्या होगा इसको अभी हम देखते हैं, लेकिन अभी हम और थोड़ा बना लें थोड़ा और, या फिर यही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो यहां पर लगा हो, या फिर दोनों साइड पे, और फिर हमारी और कंडीशन क्या हो सकती है कि हमारी यही डाइन पेयर, ये डाइन और दोनों ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक यहां पर और एक यहां पर और यहां पर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये हो गया हमारा ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन से। और एक हम ले लेते हैं साइक्लिक वाला, ये तो इसमें कौन सी सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां पर क्या काम करेगा, जो ये लगा हुआ है ग्रुप वो क्या होता है वो देखिए, अगर इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा है, ये ब्यूटाडाइन और ये इसके ऊपर साइड में लगा हुआ है, तो ये दोनों सिमिलर टाइप की हैं, सिमिलर तरह से रिएक्शन देगी, जितनी तेज वो देगी उतनी तेज ये भी रिएक्शन देंगे। और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके अंदर साइड में लगा हुआ है, जो ये डाइन जो हमारी इधर से रिएक्ट करती है, ये इसको रिएक्शन करने से रोक रहे हैं, तो ये सबसे स्लोअर होती है, सबसे स्लोअर, और ये सिस कंफर्मेशन में ये सबसे स्लोअर रिएक्शन होती है। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर इस पोजीशन पर कोई टू, ये वन टू थ्री, टू थ्री पोजीशन पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इन ये जो दोनों सिस में है, इसको और सिस में लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, ये और सिस में कंफर्मेशन में आएगा, ये और इजिली रिएक्शन देगा, तो ये इन दोनों से फास्टर होता है, ये इन दोनों से फास्टर होता है, और ये साइक्लिक है, तो अगर कोई भी साइक्लिक डाइन होगी वो इन सबसे फास्टर होगी, ये सबसे फास्टर, मोस्ट फास्टर। तो सबसे तेज रिएक्शन डाइन में ये वाला, ये वाली साइक्लिक वाली डाइन देगी, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये दोनों है, सबसे स्लोअर में ये वाली है। तो अब हम देख लेते हैं, ये हो गया हमारा डाइन, और इस पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो वो रिएक्शन और भी फास्ट हो जाती है, अगर इस पोजीशन पे है तो और भी फास्ट हो जाती है, अगर इस पोजीशन पर लगा हो तो वो सबसे स्लोअर हो जाएगी, अगर इस पोजीशन पर लगा हो तो वो सिमिलर टू डाइन की तरह हो जाएगी। तो अब डाइनोफाइल को देख लेते हैं वो किस तरह से काम करता है, काम करती है जो भी है। तो अब हमें क्या देखना है कि डाइनोफाइल, तो डाइनोफाइल के बारे में आप थोड़ा बहुत जान चुके होंगे कि क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन पुअर कह सकते हो। तो यहाँ पर लिखा गया भाई, दी मोस्ट कॉमन डाइनोफाइल आर, यहाँ पर लिखा है दी इलेक्ट्रॉन पुअर अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कीन हो या फिर कोई अल्काइन हो, जो हमारा डाइनोफाइल होगा वो इलेक्ट्रॉन पुअर होता है, और बहुत ही रेयर केस में ऐसा भी होता है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये बात हो चुकी है। दस सिंपल अल्कीन एंड अल्काइन सच एज एथाइलीन एंड एसिटिलीन आर नॉट गुड डाइनोफाइल, जनरली हैज वन और मोर, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, पुलिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द पाई बॉन्ड। तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी अल्कीन हो या फिर कोई अल्काइन हो, सच है जैसे एथाइलीन एसिटिलीन हो, कुछ भी हो, जैसे इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ये उतना अच्छा डाइनोफाइल नहीं है, अगर इसमें कोई एक लग जाए इलेक्ट्रॉन विथ
ड्राइंग ग्रुप, नॉट ड्राइंग फॉल जनरली इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप। अगर हम इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप लगा दें एक, तो ये जो सिंपल डाइन सिंपल अल्कीन थी ये इससे अच्छी रिएक्शन देगा ये। अगर इसमें हम लगा दें इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, या फिर यही सिस्टम हो हमारा टू बॉन्ड सिस्टम वाला और इसमें दोनों तरफ लगा दें हम इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, तो ये और फास्टर रिएक्शन देगी इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप। और एक ये सब डाइनोफाइल हैं ये हमारे, ये डाइनोफाइल जो उतनी अच्छी नहीं रिएक्शन देगी, ये सब उससे थोड़ा सा अच्छी है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप जो है वो हमारा दो दो लगा हो तो ये और भी उससे तेज उससे फास्टर रिएक्शन देगी। तो इसमें एक होता है डाइनोफाइल, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि मैलिक एनहाइड्राइड, यदि क्वेश्चन दे देगा और ये कहेगा मैलिक एनहाइड्राइड से इसे रिएक्शन कराइए, तो मैलिक एनहाइड्राइड अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा तभी आप कर पाएंगे। तो मैलिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लीजिए, तो मैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है, किस तरह से हो रहा है वो, ये हमारा मैलिक एनहाइड्राइड और गुड डाइनोफाइल ये होता है हमारा। तो हमने देख लिया कि डाइन क्या होता है डाइनोफाइल क्या होता है, तो अगली वीडियो में देखेंगे इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री। जैसे कि अगर ये हमारा बाहर की साइड लगा है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप तब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, अगर ये अंदर की साइड अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है तब उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर जी होगा ना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री को इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।